वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है। मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास की बायोलॉजी का डे नंबर 39 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है। कोऑर्डिनेशन आप पहले भी डिस्कस करके आ चुके हुए हो, वो आपने डिस्कस की थी नर्वस सिस्टम के तहत। कोऑर्डिनेशन की दो कंडीशंस होती हैं, यानी कि दो टाइप्स होती हैं, दो तरह से कोऑर्डिनेशन हो सकती है। कौन कौन सी, उनमें से एक चीज आप पढ़ के आए हुए हो नर्वस सिस्टम, वो तो आपने पढ़ लिया है। सेकंड थिंग है उसके अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या काम करता है, ये भी हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन लाता है। ठीक हो गया। कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ा था कि क्या होता है, आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस वो कोऑर्डिनेशन कहलाते हैं। अब वो चेंजिंग किसी भी सूरत में हो सकते हैं, आपकी ग्रोथ का बढ़ना ये भी कोऑर्डिनेशन है, उसके बाद आपका चलना, आपकी मूवमेंट होना, आपकी पोजीशन में तब्दीली, आपकी पोजीशन में जो चेंज है वो, ये सारी की सारी कोऑर्डिनेशन हो सकती है। ठीक है। अब आज हम जिस चीज को डिस्कस करेंगे वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम जो है बेसिकली वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी, उनके अंदर एक आता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा आता है हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या चीज होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड बेसिकली आपकी बॉडी में पाए जाने वाले वो ग्लैंड्स हैं जो एक थैली नुमा होते हैं, यानी कि सेक्स की शक्ल में होते हैं, सेक्स की सूरत में होते हैं, एक थैली नुमा होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिक्रीशंस भरी होती हैं। सिक्रीशंस क्या होती हैं, वो हार्मोन होता है। कोई भी ग्लैंड है वो सिक्रीशंस क्रिएट करता है, यानी कि वो हार्मोन निकालता है बाहर। ठीक है। अब ग्लैंड हार्मोन बाहर निकालेगा और हार्मोन क्या काम करता है, हार्मोन आपके ब्लड के अंदर जाता है, उस ब्लड के बाद बेसिकली आपके टारगेट पॉइंट तक जाता है। लेट्स सपोज आपको हार्मोन चाहिए आपके दिल पे, लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं, आपको हार्मोन चाहिए आपके हार्ट पे, उसका उधर कोई काम होगा, क्या काम होगा उसका, उधर काम होगा आपके हार्ट को तेजली जो है स्पीडली पंप करवाना या फिर स्लोली पंप करवाना, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। अब वो हार्मोन कहां से आए, वो एग्जांपल के तौर पे आएगा आपके ब्रेन से। अब ब्रेन से हार्मोन निकला हार्ट तक कैसे पहुंचेगा, अब वो पहुंचेगा ब्लड के जरिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दी इसका रास्ता समझाने के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली आपके पूरे जिस्म में से जहां जहां से भी सेक्रीशंस निकलती हैं, जहां से भी हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन बकायदा किसी ग्लैंड से निकलते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपके जिस्म पे पसीना आना, उसके बाद आपकी आंखों से आंसुओं का निकलना, आपके मुंह से स्लाइवा का निकलना, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं एंडोक्राइन सेक्रीशंस की, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स की। अब ये कैसे निकलते हैं, लेट्स सपोज अगर आप पसीने की बात करो, तो ये जो पसीना है वो आपकी बॉडी से निकलता है, आपके जिस्म से निकलता है। अब वो पसीना निकलता है स्वेट ग्लैंड्स से, यानी कि पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स से। अब ये ग्लैंड्स हमारे पास बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ही आते हैं और वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनकी हार्मोन्स निकल रही हैं जिसको आप पसीना कहते हो, यानी कि स्वेट कहते हो। सेकंड एग्जांपल ये है कि आपके मुंह के अंदर जो स्लाइवा पैदा हो रहा है, जिसको आप आम जुबान में थूक भी कहते हो, ये स्लाइवा बेसिकली इसका साइंटिफिक नेम है, आप इसको स्लाइवा कहते हो। अब ये स्लाइवा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है आपके स्लाइवरली ग्लैंड्स से जो आपके मुंह में जुबान के नीचे होते हैं। ठीक है। जुबान के नीचे स्लाइवरल ग्लैंड्स होते हैं जो आपका स्लाइवा पैदा करते हैं। ओके, हो गया। अब इसी तरह और भी बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो आपकी बॉडी में और भी बहुत से काम करते हैं। लेट्स सपोज चेहरे पे मूंछों का आना, चेहरे पे बालों का आना, ये जिसे हम दाढ़ी कहते हैं, या फिर छाती पे बालों का आना, आवाज का मोटा आना, ये सारा का सारा काम ग्लैंड्स करते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। वो बात अलग है कि ग्लैंड्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो हम बात करेंगे बेसिकली ग्लैंड का, मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है, हार्मोन्स का भी मैंने आपको बता दिया कि वो क्या काम होते हैं। अब यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम का जो ग्लैंड है वो हम उसको डिस्कस करेंगे, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये बेसिकली कहां पर पाया जाता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, ये पाया जाता है हमारे ब्रेन में। आपने ब्रेन को पढ़ा हुआ है, ब्रेन के आपने तीन पार्ट भी पढ़े हुए हैं,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और फिर हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर भी आपने तीन पार्ट पढ़े हुए थे, एक सेरिब्रम होता था, फिर एक थैलेमस होता था और एक हाइपोथैलेमस होता था। अब आपका जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे पाया जाता है। इसका साइज कितना होता है? ये बहुत छोटा होता है, मटर के दाने जितना इसका साइज होता है। इसको पी शेप्ड ग्लैंड भी कहा जाता है इसी वजह से, क्योंकि इसका जो साइज होता है और इसकी जो शक्ल होती है वो एक मटर के दाने से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखती है, बहुत ज्यादा मिलती है। सेकेंडली, अब इसको ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये चूंकि आपके ब्रेन के पास पाया जाता है, इसका क्या काम होता है? बेसिकली इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज्यादातर ऑर्डर देता है, ये आपके दूसरे ग्लैंड्स तक ऑर्डर लेके जाएगा कि आप ये काम करो, आप वो काम करो, ठीक हो गया। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके लोब्स की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसके दो लोब्स होते हैं। दो लोब कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंटीरियर लोब और दूसरा होता है पोस्टर लोब। इंटीरियर लोब क्या चीज होती है? इंटीरियर लोब इसका फ्रंट वाला हिस्सा, आप ये कह सकते हो। इंटीरियर लोब फ्रंट वाला हिस्सा भी कह सकते हो, पोस्टर लोब बैक वाला हिस्सा भी कह सकते हो, आप ये भी बात कह सकते हो, ठीक है। यानी कि दो हिस्से, एक अगला हिस्सा एक पिछला हिस्सा। अब इंटीरियर लोब, इंटीरियर लोब बेसिकली बहुत से हार्मोन्स पैदा करता है। हार्मोन्स क्या काम करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली अगर पूरे की बात की जाए ना इसके लोब्स को निकाल के, तो इसका एक ये बेसिक काम होता है कि ये एक ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। मसलन ये होगा, आपकी बॉडी में जो जो ग्रोथ हो रही है, आपका कद बढ़ना, आपकी जिसामत बढ़ना, ये सारे के सारे काम पिट्यूटरी ग्लैंड का ही करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा लोब है जो ये काम करता है? वो है इंटीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब बेसिकली बहुत से हार्मोन्स पैदा करता है, उनमें से दो हार्मोन है जिसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सोमोट्रोपिक हार्मोन, मतलब ये क्या काम करता है? ये काम करता है जिसको आप STHB कह सकते हो। ये बेसिकली वो आपका ग्रोथ हार्मोन है जो आपकी बॉडी में ग्रोथ कर रहा है, यानी कि आपके कद में इजाफा कर रहा है, आपकी जिसामत में इजाफा कर रहा है, ये होता है ग्रोथ हार्मोन। अब अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन जिसको आप STH यानी कि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन कहा जाता है, इसको STH, अगर ये सही तरीके से ना बने आपकी बॉडी में, यानी कि जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब है अगर ये सही मायनों में ये सेक्रीशन नहीं बनाता, तो फिर ये क्या काम करता है? अगर ये जो अपनी सेक्रीशन खारिज करेगा, अगर ये वो सेक्रीशन सही तरीके से खारिज नहीं करेगा, तो आपको एक बीमारी हो सकती है जिसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। ड्वार्फिज्म क्या होता है? ड्वार्फिज्म कहते हैं बेसिकली बहुत ज्यादा छोटे कद को जिसके अंदर आपकी ग्रोथ सही मायनों में नहीं बढ़ती, उसको ड्वार्फिज्म कहा जाता है। यानी कि एक बीमारी है जिसको आप छोटेपन की बीमारी भी कह सकते हो, बोनापन की बीमारी भी कह सकते हो, छोटे कद वाली बीमारी, ये बेसिकली उसका नाम ड्वार्फिज्म होता है। और ये क्यों होती है? ये आपकी जो STH हार्मोन है उसके ना बनने की वजह से या फिर कम बनने की वजह से होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट है जिसको जैग्नेटिज्म कहा जाता है। जैग्नेटिज्म क्या होता है? जैग्नेटिज्म बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की एक सेक्रीशंस है उसकी वजह से होता है। सेक्रीशन कौन सी है? अगर यही STH जो हमारे पास हार्मोन है, सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जिसको कहा जाता है, अगर ये हमारे पास जरूरत से ज्यादा बन जाए, मतलब आपको इसकी थोड़ी जरूरत हो और ये बहुत ज्यादा सेक्रीशन पैदा कर दे, बहुत ज्यादा हार्मोन पैदा करना शुरू कर दे, तब इस हार्मोन का नुकसान क्या होता है कि जो आपका कद है वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये जो बीमारी है बेसिकली ये भी एक डिसीज ही है, कद का ज्यादा बड़ा हो जाना ये भी एक डिसीज है। अगर आपका कद एवरेज से ज्यादा बड़ा हो जाता है, यानी कि नॉर्मल कद से ज्यादा बड़ा हो जाता है, और इसके अंदर सिर्फ ज्यादा बड़ा कद ही नहीं होता, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा बड़ा कद हो जाता है, इस सिचुएशन को जैग्नेटिज्म कहा जाता है, ठीक हो गया। हमारे पास यही स्टेज इसकी एक तीसरी किस्म भी है जिसको एक्रोमेगली कहा जाता है। अब एक चीज इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपकी एज। एज किस तरीके से मैटर करेगी? अगर आपकी ग्रोथ की एज में ये जो आपका है ग्रोथ हार्मोन जिसको आप STH कहते हो, आपकी ग्रोथ की भी तो एक एज होती है ना, तो अगर आपकी उस ग्रोथ की एज में ये STH कम बनता है तब आपको जैग्नेटिज्म होता है, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ की एज में ये ज्यादा बनता है तो जैग्नेटिज्म होता है। अगर आपकी ग्रोथ की एज गुजर जाए और ये जो STH है वो बाद में बनना शुरू हो जाए, सही तरीके से बाद में मतलब ज्यादा बनना शुरू हो जाए, लेकिन आपकी ग्रोथ की एज गुजर गई हो, तब आपको जो बीमारी होती है उसको कहते हैं एक्रोमेगली।
एक्रोमेगली कौन सी बीमारी होती है? बेसिकली आपकी ग्रोथ एज गुजरने के बाद आपकी हड्डियों का ज्यादा मुड़ जाना। आपके कद में जब इजाफा होता है तो आपकी चौंके ग्रोथ की एज नहीं होती, तो आपकी जो हड्डियों के किनारे होते हैं वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो स्टेज होती है जिसमें आप अजीब सा जिस्म कह सकते हो, मतलब कि उसकी आप ये कह सकते हो कि उसके शोल्डर्स बाहर होंगे, उसकी जो उंगलियां हैं वो थोड़ी सी मुड़ी भी होंगी, मतलब बड़ी होंगी और मुड़ी भी होंगी, जो ये स्टेज है उसको एक्रोमेगली कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब ये तो हमने बात कर ली इसके इंटीरियर लोब के सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की। अब ये सोमैट्रो ये जो इसका इंटीरियर लोब है वो एक और हार्मोन भी पैदा करता है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब TSH। ठीक हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है? बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसने ऑर्डर देने होते हैं। अब यही हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन मैसेज लेकर जाएगा आपके थायराइड ग्लैंड की तरफ। अब मैंने आपको बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है, ये होता है आपके ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। ठीक है, उसके बाद अब आपका थायराइड ग्लैंड कहां पे होता है? थायराइड ग्लैंड होता है आपकी गर्दन पे, यहां पे इस तरफ थायराइड ग्लैंड होता है। अब ये ब्रेन से ब्लड के जरिए बकायदा हार्मोन लेके जाता है जो आपके थायराइड ग्लैंड तक जाते हैं। ये इसका काम है सिंपली आपके थायराइड को मैसेज पहुंचाना और थायराइड को ये कहना कि आपके जो सेक्रीशंस है, जो थायराइड के सेक्रीशंस है वो खारिज करे। ये सारा का सारा काम कौन करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के अंदर पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या काम करता है? उसके दो मेन काम है। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत से काम है लेकिन दो मेन काम है। कौन कौन से? आपके ब्लड से जो लेवल है कैल्शियम का, या फिर ऑक्सीजन का लेवल आप कह सकते हो, कैल्शियम का लेवल ज्यादा सही रहेगा, आपके ब्लड से जो कैल्शियम का लेवल है उसको मेंटेन करना। मेंटेन करना मसलन अगर आप अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम ज्यादा खाते हो तो आपकी खुराक से ब्लड के अंदर कैल्शियम जाता है, अब ब्लड से कैल्शियम जाता है आपकी हड्डियों में। ये बकायदा एक रास्ता है कैल्शियम का। आप खाना खाओगे कैल्शियम के साथ, मतलब आप अपनी खुराक के अंदर कैल्शियम ले रहे हो, वो खुराक अब्सॉर्ब होगी कहां पे? आपके ब्लड के अंदर। ब्लड से जाके आपका सारा का सारा जो कैल्शियम है वो जाएगा आपकी हड्डियों में। अब ये पूरा का पूरा रास्ता है। अब थायराइड इस रास्ते को मेंटेन करता है। अब थायराइड का जो दूसरा काम है वो क्या है? अगर आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है वो कम हो जाती है। अब इसका जो दूसरा काम है वो है हड्डियों से कैल्शियम लेना और ब्लड को दे देना। अब ये सारा का सारा बैलेंस बेसिकली ये मेंटेन रखता है, ब्लड से कैल्शियम लेके हड्डियों तक देता है और हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड तक देता है। क्यों? ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे, ना ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो ना फिर हड्डियों के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो। यह सारा का सारा काम थायराइड ग्लैंड करता है। और थायराइड ग्लैंड ये काम कैसे करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो TSH हार्मोन है इसके जरिए थायराइड को मैसेज पहुंचाता है और थायराइड आगे ये काम करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम अब बात करते हैं इसके पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर लोब क्या होता है? बेसिकली आप इसको पिछला हिस्सा भी कह सकते हो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा जो पोस्टीरियर लोब कहलाता है उसका बेसिकली यही कहा जाता है। उसके बाद ये क्या काम करता है? ये बेसिकली दो हार्मोन्स पैदा करता है, एक वैसोप्रोसिन हार्मोन है और दूसरा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अब वैसोप्रोसिन क्या काम करता है? बेसिकली ये काम करता है आपकी ये जो सारा का सारा ये सिस्टम है जिसको आप गुर्दों का सिस्टम भी कह सकते हो, ये पूरा वहां पे वाटर का जो एक लेवल है उसको मेंटेन रखना। किस तरह से मेंटेन रखना? अगर आप अपनी खुराक के अंदर ज्यादा पानी का इस्तेमाल करो तो आपके ब्लड से पानी ज्यादा फिल्टर होता है किडनी के अंदर, और किडनी का वो हिस्सा जहां पे पानी ज्यादा फिल्टर होता है और आपके बकायदा यूरेटर्स के अंदर जाता है वो कौन सा हिस्सा होता है? वो होता है नेफ्रोन। ये नेफ्रोन को बेसिकली वो ऑर्डर देता है कि जो पानी की रीअब्सॉर्प्शन है उसको करना, मतलब रीअब्सॉर्प्शन करना। अगर आप ये कह सकते हो कि आपकी खुराक में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है या फिर आपके ब्लड में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है तो ये काम तेजी से करना शुरू हो जाएगा। तेजी से करना शुरू करके आपका जो यूरिन है वो ज्यादा बनेगा और आपके जो आपका ब्लड होगा उसके अंदर जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखा जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी खुराक के अंदर पानी बहुत कम इस्तेमाल करते हो तब क्या होगा? यही हार्मोन मैसेज पहुंचाएगा नेफ्रोन्स को के ब्लड के अंदर जो है वो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा कम होगा तो उसको ज्यादा करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर ब्लड के अंदर
जो वाटर है वो ज़्यादा होगा तो ये अपना काम ज़्यादा स्पीडली करना शुरू कर देगा, और अगर ब्लड के अंदर वाटर लेवल जो सा कम है तो ये काम बहुत ज़्यादा कम करेगा, ताकि आपके ब्लड को जो पानी है वो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू आपके बाकी जो ऑर्गन्स होते हैं उसके। उसके बाद ये काम तो हो गया वैसोप्रोसिन हार्मोन का, अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कि वो क्या काम करता है। बेसिकली वो काम करता है जब कोई भी एक मदर बर्थ देने लगती है एक न्यू बेबी को, तो उस टाइम पे ये काम करता है उसका जो यूट्रस होता है, उस यूट्रस की जो दीवारें होती हैं ये उनको मैसेज करता है कि वो बेबी को बाहर की तरफ पुश करें, और इसमें जो सा किसी भी मदर को बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है। ये काम बेसिकली हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है उस वक़्त जब कोई भी मदर एक चाइल्ड को बर्थ देने लगती है।